चेक करते हैं कितना वेट हो गया मेरा, ठीक है। तो दोस्तों फिर से मैं आ गया हूँ उसी वाले पार्क में जहाँ पर मैं हर बार आता हूँ। तो आप सभी का स्वागत है एक और नए व्लॉग में, डेली व्लॉग की सीरीज़ में हमारे। अभी आज क्या हुआ कि आज मैं सुबह 6 बजे जो है सोया हूँ, बिकॉज रात भर प्रोजेक्ट का वर्क हो रहा था, बट काफ़ी मैंने काम को जो है खींच दिया है, काफ़ी लंबा खींच गया है काम। अब 6 बजे सोया, फिर उठा हूँ 10:30 पे उठाऊँ। उसके बाद अपने बैचेस थे 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, और फिर था 3 से 4, 4 फिर था 3 से 4, 5 से 6। आज जो है मतलब बैचेस कम थे एक तरह से कह सकते हैं। तो यही था शेड्यूल, उसके बाद जो है अभी टाइम मिला है आने का, तो अभी मैं निकला हूँ घर से और यहाँ पे आ गया हूँ ब्लॉग बनाने के लिए। और फिर से जो है मैं पार्क के अंदर में नहीं जा रहा, बिकॉज काफ़ी भीड़ है, तो मतलब बनता नहीं अंदर जाने का पार्क के। थोड़ा बहुत घूमेंगे, अभी जो है ब्रेड भी लाना है एक, तो ब्रेड भी लेने जाएंगे और ट्राई करेंगे। एक हमको बैटरी भी चाहिए, जो वेट नापने मशीन होती है उसमें एक बैटरी लगती है, वो बैटरी भी चाहिए। तो देखेंगे थोड़ा मिल जाए तो अच्छी बात है। वैसे केसेस जो हैं पहले के मुकाबले काफ़ी कम हो गए हैं अब कोविड के, तो बहुत चांसेस हैं कि इस हफ्ते जो है मतलब इस हफ्ते के बाद जो लॉकडाउन है हट जाएगा। देखते हैं क्या होता है, हट जाए तो अच्छी बात है, थोड़ा मतलब बाहर निकलने को मिलेगा, बिकॉज ऑलमोस्ट जो है 1 मंथ हो चुका है, 1 महीना लगभग पार हो चुका है। तो इंसान जो है मतलब घर में भी कितना मतलब बैठेगा, तो इसीलिए देखते हैं जैसा भी रहेगा। आप तो देख ब्लॉग्स डेली आएगा आप लोगों के लिए सुबह 8 बजे, तो जैसा भी होगा अच्छा होगा। अगर हुआ खुला तो भी सही है, नहीं खुला तो भी सही है, मतलब जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, ठीक है ना। तो आज भी जो है मतलब पार्क में काफ़ी भीड़ में दिखाता हूँ आपको, ये देखिए पूरा जो है मतलब पार्क भरा हुआ है, ये लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, पूरा फुल है। क्योंकि लोग भी क्या करेंगे यार, वो लोग भी घर में कितना बैठेंगे, थोड़ा शाम को सुबह टाइम मिलता है तो लोग सोचते हैं चलो थोड़ा खेल लेते हैं, लेकिन देखते हैं। वैसे तो मैं जानता हूँ कि इस टाइम पे खेलना इतना कुछ सेफ नहीं है, लेकिन यार देखो, लेकिन यार वही है ना कि लोग भी कितना मतलब, लेकिन वही देखो ना लोग भी कितना मतलब वो करेंगे, तो थोड़ा बहुत जिनको टाइम मिलता है वो निकल जाते हैं घर में घर से बाहर थोड़ा खेलने वेलने के लिए, लेकिन सेफ नहीं है तो मैं मानता हूँ। लेकिन जैसा हो रहा है बस ये कि लॉकडाउन खुल जाए थोड़ा सही हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। अभी मैंने क्या किया कि एक जगह रखने की थी वहाँ पर इसको रख दिया कैमरे को, और वहाँ पर वीडियो बना रहा था, उससे क्या हो रहा है वीडियो बहुत स्टेबल बनती है और उससे बनाने में बहुत मज़ा आता है एक तरह से कह सकते हैं। पर ठीक है, अभी चलते हैं अब ब्रेड लेने के लिए, और घड़ी की स्टाइल अगर मिलती है तो वो लेने के लिए, और आज जाएंगे सीधा इस रास्ते से, कैसे जाएंगे पूरा घूमते हुए जो है निकलेंगे, ठीक है पूरा देखेंगे आप इस व्लॉग में, सब बने रहिए। तो दोस्तों फाइनली जो है ये वाली बैटरी जो मैं लेनी थी वो मिल चुकी है अब। अपना आधा काम तो ऑलमोस्ट हो गया, अब बस बचा है ब्रेड लेना, तो ब्रेड तो मिल ही जाएगा। मतलब मुझे तो चिंता थी मेन कि बैटरी नहीं मिलेगी, और ये अच्छा हुआ कि बैटरी पहले मिल गई, तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब सीधा जाना है ब्रेड लेने के लिए, तो ईजिली जाएंगे आराम से बैटरी ब्रेड लेंगे और निकलेंगे घर को। वैसे यहाँ पर जो दुकानें हैं थोड़ी थोड़ी खुली हुई हैं, कुछ कुछ खुली हैं तो अच्छा है। चलते हैं फिर आगे, आपको दिखाता हूँ आएगा शॉर्ट्स भी। अब जो है मतलब काफ़ी लंबा लंबा समय बीत जाता है, बिकॉज इसी रोड पे करीबन मुझे 1 महीना हो गया, 1 महीने पहले मैं यहाँ पे आया था और आज 1 महीना पार हो चुका है बताओ। क्योंकि ये वैसा रोड है जिसमें ऑलमोस्ट मैं पहले आते ही आता था, लेकिन यार यही होता है लॉकडाउन में कि काफ़ी लंबे लंबे समय तक जो है आप एक रास्ते से निकल नहीं पाते। ये क्या, मैं तो मतलब घर से निकलता हूँ कभी 2 दिन में, एक दिन तो अलग बात है, मैं शाम को निकल रहा हूँ आजकल, वरना तो निकलना होता ही नहीं है। हे भगवान, तो ये है बैटरी, इसको लगाते हैं।
व्यूज तो ये वर्क कर रहे हैं। सो चेक करते हैं कितना वेट हो गया हमारा, ठीक है। तो 94.2 केजी जो वेट हो गया है। सो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं लाइव बिकॉज आज है वेडनेसडे और ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, सिर्फ एक मिनट है। तो ऑडियंस हमारी आए ना आए लेकिन हमने कमिटमेंट किया हुआ है तो लाइव तो आना ही पड़ेगा। देखो कमिटमेंट नहीं तो लाइव आओ, और कमिटमेंट नहीं करनी तो मना करो साफ साफ कि हम लाइव नहीं आ रहे हैं। लेकिन मैं केशु लाइव, भले ही आके मैं 10 मिनट लाइव रुकूँ लेकिन मेरा काम है जो बोला वो करना है, ठीक है। तो इसलिए अब सेट कर रहे हैं पूरा का पूरा और लाइव आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, कोशिश का मतलब आ रहे हैं। सो अभी आप लोग देखेंगे इसका टाइम लैप्स, ठीक है। तो टाइम लैप्स लगाया था उसके जस्ट बाद आप लोग टाइम लैप्स देखेंगे, ठीक है। दोस्तों ये बज रहे हैं 12:45 और पूरा का पूरा ब्लॉग जो है एडिट हो चुका है, और ये जो है सिर्फ मैं इसका एंडिंग पार्ट शूट कर रहा हूँ। तो उस समय क्या हुआ, लाइव जब हम लाइव आए तो हफ्ते में हम दो बार लाइव आते हैं, वेडनेसडे को एक बार संडे को। तो आज भी सिर्फ एक इंसान लाइव आया, तो तब मैंने सोचा कि मतलब लाइव नहीं आता, वेडनेसडे को लाइव आना छोड़ देता हूँ। लेकिन फिर मुझे सजेस्ट किया गया कि मेरा काम है मतलब लाइव आना, क्योंकि अभी आप लोगों को हैबिट हुई नहीं है, सिर्फ दो वेडनेसडे हम लोग लाइव आए हैं और उसी में मैं हार मान जाऊँ, छोड़ दूँ लाइव आना, तो ये कुछ ठीक नहीं होगा। तो इसीलिए मैं अभी भी कंटिन्यू रखूँगा, हर वेडनेसडे और हर संडे को लाइव आऊँगा। बट आप लोग भी कोशिश कीजिए कि अगर आप लोग फ्री रहते हैं तो उस समय लाइव आइए और देखिए कि मतलब क्या क्या हो रहा है चैनल पर, बिकॉज आप लोग भी मतलब जुड़ गए होंगे, लगातार वीडियोज़ आ रही हैं। मेन चैनल पर भी दो वीडियो आती हैं डेली, और इस ब्लॉग चैनल पर भी डेली एक ब्लॉग आता है, तो काफ़ी कनेक्शन हमने अच्छा बना रखा है। तो आप लोग कोशिश कीजिए, आपको जो आके देखना है और कमेंट करना है जैसा आपको फील हो रहा है। मैंने कभी ये नहीं बोला कि आप अच्छा ही कमेंट कीजिए, जैसा आपको लगता है वैसा कमेंट कीजिए कि क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, क्या मुझे और चीज़ों को ऐड करना चाहिए, जो मन कर रहा है बोलिए। और उसके बाद जो है उसमें बैटरी मिल गई थी, तो बैटरी मैंने दिखाया आपको, वेट दिखा दिया 94 कुछ है वेट, तो उसको थोड़ा कोशिश करेंगे कम करने का। तो ये सब मतलब आज का पूरा सीन था। और तो फिलहाल आज की ब्लॉग में बस इतना रखते हैं, तो आशा करता हूँ कि आपको मज़ा आएगा देखने में। और अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस फेस को, तो हम लोग जो है 100 दिनों में 100 ब्लॉग डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, उसके बगल में बेल आइकन से दबा लीजिए, क्योंकि आप हिस्सा बनिए इस 100 वीडियोस का, 100 ब्लॉग लगातार बन देखने का, आपको बहुत मज़ा आएगा। और अगर आपने पहली बार देखा है आज, तो उससे पहले जितने भी मैंने बनाई है वीडियोस, 17 कुछ वीडियो होंगी, वो आप देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा देखने में। क्योंकि हर ब्लॉग में कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको कुछ नया दिखाने का, जो मतलब एक्टिविटीज़ में कर पाता हूँ, जो पॉसिबल होता है शूट करने पाने का, वो दिखाता हूँ। तो अच्छा लगे तो उसको लाइक भी कर दो ब्लॉग को, और अगर बहुत अच्छा लगे तो शेयर भी कर दो, या तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगा दो बहुत अच्छा लगे तो, इतना तो आप कर सकते हैं। क्योंकि उससे क्या होगा कि हमारी जो ब्लॉग की एंगेजमेंट है वो बढ़ेगी, और यूट्यूब जितने लाइक्स होंगे, जितने कॉमेंट्स, जितना ट्रैफिक आएगा वीडियो पर, उतना यूट्यूब हमारी वीडियो को सपोर्ट करेगा। सो अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको आगे बढ़ाओ, क्योंकि इतना ईजी नहीं है, इतना लगता है ब्लॉग देखने में इतना ईजी नहीं है, थोड़ी मेहनत लगती है बनाने में। बट मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप भी ब्राउन ब्लॉग, मैं कह रहा हूँ सिर्फ आप देखो और जितना उसको बढ़ा सकते हो जितना आगे बढ़ाओ, उतना ही काफ़ी होगा मेरे लिए। तो ठीक है, मिलता हूँ मैं आपसे अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सारे ब्लॉग देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और लॉकडाउन जब तक है तब तक ब्लॉग देखिए, उसके बाद भी लॉकडाउन खुलने के बाद भी मतलब ब्लॉग लगातार आते रहेंगे, 100 ब्लॉग तक, 100 डेज 100 ब्लॉग्स, ठीक है, बाय।